देखिए दोस्तों, मैंने एलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब मैं यहां से न्यूमेरिकल या क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और ये क्वेश्चन का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। ये आप हमारे लगातार वीडियो देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते, इसलिए जितने भी वीडियो में डालूंगा आगे उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक टाइप का। दोस्तों इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री हो तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान, या x के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर, या x के पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फाइव। दोस्तों आगे भी आप निकाल सकते हैं 6, 7, बट अभी तक एग्जामों में 5 तक का ही क्वेश्चन देखा गया है अधिकतर। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले ये दिया है और ये हमको निकालना है, तो इसके और इसके बीच में एक रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर इसको हमको निकालना है तो हम जानते हैं कि यक्स प्लस वन अपॉन यक्स के पावर होल स्क्वायर, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि यक्स माइनस वन अपॉन यक्स के पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ हमको x प्लस टू चाहिए और यहाँ माइनस का आएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 4xy यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। अब दोस्तों देखिए इसमें ये मान हमको गिवन है, कितना मान है ये 3 के पावर होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी इधर से जब इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब माइनस का ये 4 हो जाएगा, तो यहां देखेंगे कि ये x माइनस 1 अपॉन x के पावर होल स्क्वायर बचेगा, तो 3 त्रिक का 9 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन के पावर होल स्क्वायर, इधर कितना बचा, 5 बचा, और इधर से जब ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि ये इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो इसका मान हमें निकल गया, कितना निकल गया, अंडर रूट 5 निकल गया, क्लियर। अब दोस्तों हम निकालेंगे आगे का मान, तो ये आपको जनरेट करना है कॉन्सेप्ट, ये ऊपर मेरे पहले वीडियो में आप देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इसको हम मिटते हैं, अब हम चलते हैं सेकंड पोजीशन पे कि x स्क्वायर प्लस समथिंग, तो ये पता है और इसका छोटा पार्ट ये पता है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों x प्लस 1 अपॉन x के पावर होल स्क्वायर, ये मैंने स्टार्टिंग बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। दोस्तों ये मान हमको चाहिए, ये वैल्यू हमको गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 के पावर होल स्क्वायर, देखिए 3 यहां रख देंगे, और माइनस ये दो इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये दोस्तों 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2, और इधर ये रहेगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7। दोस्तों ये भी वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी हो गई, 7। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा, अगर हमसे कोई ये निकालने के लिए बोल दे कि x इज इक्वल टू कुछ दिया है और आपसे पूछ ले क्यूब का मान, तो दोस्तों इसका छोटा पार्ट पता है, ये बड़ा निकल जाएगा, हम जानते हैं 1 अपॉन x क्यूब के पावर होल क्यूब होता है, अब ये हमें निकालना है तो क्या होता है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 और एक कोष्टक में 1 अपॉन x। दोस्तों देखिए ये वैल्यू आपको गिवन है, तो यहां पर हम कितना रख देंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो अगर ये निकालनी है तो इधर आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3, और इस जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं, 3, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब हो गया, क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से देखें, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, और यहां पर कितना हो जाएगा, 9, तो ये क्या बचेगा, x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब, इसमें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अगर इसमें से घटा देंगे तो 27 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, यहां पर देखेंगे 9 × 9 = 27, 9 दूनी कितना बचेगा, 18 बचेगा, क्लियर, यहां पे कितना बचेगा,
तो हम जानते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों अगर ये ना भी लिखें तो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। क्लियर? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये वैल्यू दोस्तों आपको गिवन है, कितनी है? 7। तो यहां पर 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से ये आएगा तो -2 इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगर फार्मूले आपको याद हैं, ज्यादा नहीं, केवल आपको 7 फार्मूले याद रखने हैं और प्लस कैलकुलेशन, अलजेब्रा में कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्तों 7 से कितना? 49 में से 2 लेस कर दोगे तो दोस्तों ये 47 x के पावर 4 1 अपॉन x के पावर कितना हो गया? 47। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 47। अब दोस्तों एक इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो x के पावर 5 होता है। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि 5 की वैल्यू निकलती कैसे है। तो दोस्तों यहां पर पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, x के पावर 5 1 अपॉन x के पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3 1 अपॉन 3 एक कोष्टक में और दूसरे में x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं दूसरे कोष्टक में। अब ये इतने के बराबर वैल्यू हम रख सकते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका जब हम गुणा लगाएंगे इस चीज का, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर वाले पार्ट का तो ये क्या हो जाएगा, इधर चलेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और प्लस इसमें गुणा लगाएंगे तो ये 1, सॉरी तो ये हमारा x हो जाएगा और प्लस यदि इसका गुणा लगाएंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा और प्लस इसका लगाएंगे तो 1 अपॉन x के पावर 5। बेस समान होने पर खाते जोड़ दी जाती है। अब ये बराबर हमने इसको लिखा तो इधर क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। तो दोस्तों x के पावर 3 1 अपॉन x के पावर 3 और दूसरा a किसके, इसी के बराबर तो लिखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इतने के बराबर लिख दिया। अब इसी को हम सिंपलीफाई अगर कर लें तो यहां देखिए ये 3 है तो यहां पर 5 होगा, इसका गुणा करेंगे 3 2 कितना, बेस समान होने पर घातें जोड़ दी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा कि यहां से अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 5 1 अपॉन x के पावर 5 ये पार्ट अलग कर लें प्लस x प्लस 1 अपॉन x ये अलग अलग जोड़ दें और इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब एक कोष्टक में दूसरे में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब दोस्तों अगर इधर इसको ला दें तो ये से बच जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको x के पावर 5 1 अपॉन x के पावर 5 बराबर ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा x के पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x के पावर क्यूब दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस और यहां पर कितना x प्लस 1 अपॉन x। तो दोस्तों आज के बाद ये डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं 5 के लिए। अब दोस्तों अगर कोई x के पावर 5 माइनस अगर कर दे तो x क्यूब प्लस माइनस यहां पे माइनस करके डेरिवेशन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपको ये वैल्यू निकालना है, आपको ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी आपने निकाल रखी है और ये वैल्यू भी आपको पता है, सारी वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए दोस्तों इसको मैं यहां पे रखता हूं, इसको थोड़ा वेट देता हूं डेरिवेशन को, ये हमें डेरिवेशन मिल गया, रखिए यहां पे देखिए x क्यूब यहां पर कितना है 18, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 18 इनटू इसकी जगह दोस्तों कितना आएगा 7 माइनस इस जगह आपका कितना आ जाएगा, अब देखा जाए तो कितना है 3, तो यहां पर हमने कितना रख दिया 3, यही हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी x के पावर 5 1 अपॉन x के पावर 5। तो यहां पर देखेंगे 7 8 56 56 की कितनी आएगी 6 हासिल आई 5 और
यहाँ पर 7 × 7 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर कितना हो जाएगी 12 और यहाँ पर कितना घटाएंगे 3 तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा 1, 2, 3 यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लियर। अब दोस्तों देखते हैं आगे, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं माइनस वाला। यदि x माइनस, यदि कोई माइनस में वैल्यू दी है x माइनस 1/ax = 3 है मान लेते हैं हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, x स्क्वायर माइनस की वैल्यू ज्ञात कीजिए और x क्यूब की ज्ञात कीजिए, 5 की ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऊपर सब कुछ बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा देख लीजिए इसको कैसे। तो ये अगर हमें निकालना है और ये दिया है तो हम जानते हैं x प्लस 1/x के पावर होल स्क्वायर = यदि हम लिखें तो दोस्तों x माइनस 1/x के पावर होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 4 तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर होल स्क्वायर प्लस 4 दोस्तों 3 × 9 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर कितना है x प्लस 1/x के पावर होल स्क्वायर तो x प्लस 1/x √13 तो दोस्तों इसका मान कितना निकल गया √13 या √13 हो गया क्लियर। अब हम इसी के साथ दूसरा देख लेते हैं तो दोस्तों आगे भी जब देखेंगे तो कैसे करना है देख लीजिए। अब यहाँ पर जब हम देखें कि क्यूब में निकालना है और ये वैल्यू हमको गिवन है तो दोस्तों हम जानते हैं कि x माइनस 1/x के पावर होल स्क्वायर यदि करते हैं तो क्या हो जाता है x स्क्वायर अगर इस तरीके से इसको लिखा जाए कि यहाँ पर हमको ये वैल्यू चाहिए तो x के पावर क्यूब माइनस समथिंग में क्लियर। तो दोस्तों ऐसे नहीं निकलेगा, इसको हम देख लेते हैं यदि ये वैल्यू हमारी दी गई है ये हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x² है जो हमको निकालना है। अब दोस्तों इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये वर्गांतर लिखा हुआ है वो वर्गांतर में ये दोनों वैल्यू हमको पता है तो क्या लिख सकते हैं एक कोष्टक में 1/x और दूसरे में लिख सकते हैं x माइनस 1/x। दोस्तों इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं और इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं दोनों का गुणा लगा दीजिए तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी √13 × 3 तो वैल्यू हो जाएगी √13 √3 यही हमारी क्या हो गई आंसर हो गई तो ये क्या हो जाएगा √3 √3 √13 क्लियर। दोस्तों अब आपको ये अगर वैल्यू निकालनी है तो इसके रूप में इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या ब्रेक होगा देख लीजिए, इसको भी मैं भी आपको बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए कैसे निकलेगा ये कि यदि हम जानते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x³ का फार्मूला क्या होता है एक कोष्टक में यहाँ माइनस है तो 1/-, कॉमन हो जाता है और दोस्तों दूसरे में क्या हो जाएगा देखा जाए तो x² प्लस x² और यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर x जब करेंगे तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा वैल्यू पुट कर दीजिए वही आंसर हो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू आप पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये देखिए क्या है स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने नहीं निकाली है इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए अगर ये चीज आपको पता है तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 ये वैल्यू हमको पता है कितनी है √13 तो यहाँ पर कितनी है √13 पावर होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 तो ये क्या होगा 13 में से 2 जाएगा क्या बचे 11 तो ये कितनी हो जाएगी 11 तो ये 11 और ये जोड़ के कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी क्लियर 11 12 बाहर का 12 बार 2 4 बार 3 कितना हो जाएगा 36 तो दोस्तों इसका आंसर आपका निकल के बाहर हो गया ये हमारा आंसर कितना आएगा 36। दोस्तों आगे भी इन चीजों को आप करिएगा अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से देता है यदि a plus 1/a = 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए तो दोस्तों इसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है
ए की ऐसी क्या मान यहाँ पर पुट कर दिया जाए कि RHS बराबर LHS हो जाए। तो यदि हम A equal to 1 पुट कर दें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 upon 1, और इधर 2 दिया है तो इसको कर देंगे 1 plus 1 is equal to 2, यानी कि 2 is equal to 2, RHS बराबर क्या हो गया LHS। तो A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक दोस्तों और इसमें देख लेते हैं, यदि a plus 1 upon a is equal to minus 2 है तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर a is equal to या माइनस करना है तो माइनस 1 पुट कर दे तो यहां पर देखते हैं माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 और इधर माइनस 2, तो यहां देखेंगे कितना हो जाएगा माइनस 1 is equal to माइनस 2, तो माइनस 2 RHS बराबर LHS। दोस्तों यहां पर 1 का मान कितना हो गया -1, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यदि थोड़ा सा बड़ा मान, ये एसएससी में आ चुका है क्वेश्चन, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यदि a plus 1 upon a is equal to a is equal to 2 हो तो a के पावर 15 plus 1 upon a के पावर 17 का मान क्या होगा। दोस्तों यहां देख के ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी, अगर 1 पुट कर दें तो हमारा मान क्या RHS बराबर LHS हो रहा है, तो a plus a यानी कि 2 बराबर 2। तो दोस्तों यहां पर भी पुट कर दीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा a के पावर 15 और प्लस 1 अपॉन 1 के पावर 17, a के पावर कितनी भी घात लगा दें वैल्यू के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक ही रहेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 plus 1 is equal to 2। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, यदि a plus 1 upon a is equal to minus 2 हो तो a के पावर 100 plus 1 upon a के पावर 99 का मान क्या होगा। दोस्तों यहां से पता चल रहा है कि a is equal to minus 1 यदि पुट कर दें तो यहां पर RHS बराबर LHS हो जाएगा। तो अब यही चीज यहां पुट करिए तो minus 1 के पावर 100 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन minus 1 के पावर 99। और दोस्तों जब माइनस ऊपर सम संख्या होती है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो ये प्लस हो गया, और जब वैल्यू हमारी विषम संख्या होती है तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है, यानी कि माइनस 1 हो गया। दोस्तों जब इसी को हल करेंगे तो दिस से दिस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन और आया हुआ एसएससी में, a plus 1 upon a is equal to 2, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि a is equal to कितना पुट करना पड़ेगा 1, तो 1 plus 1 is equal to 2, RHS बराबर LHS। अब उठा के a की वैल्यू यहां भी पुट कर दो तो ये 5 into 1 plus 4 into 1 और plus 3 into 1 minus 12। दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा, यहां 5 4 9 9 10 11 12, यानी कि 12 में से 12 जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 0। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, यदि x plus 1 upon x है तो इस पर x के पावर 6 plus x के पावर 3 plus 1 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां पर हम ये देखते हैं कि यहां इसके और इसके बीच में 3 का गैपिंग है, तो अगर हम इसके और इसको पहले हल कर लें तो ये x plus 1 upon x के पावर होल क्यूब और 1 के पावर होल क्यूब क्यूब इन बोथ साइड कर दे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने क्यूब इन बोथ साइड कर दिया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा x square plus 1 upon x हो जाएगा, और k पावर कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। एक मिनट को देखते हैं। ठीक है दोस्तों इसको कैसे करेंगे, x plus 1 upon क्यूब करेंगे ये क्या हो जाएगा x cube plus 1 upon x cube plus यहाँ पर 3 x plus y और x plus y के जगह 1 रखेंगे तो 3 is equal to यहाँ कितना बचा 1, तो ये x cube plus 1 upon x cube is equal to minus 2 उधर जाएगा ये घट जाएगा, तो ये कर देंगे हल तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 x के पावर 6 plus 1 is equal to ये इधर जाएगा minus 2x cube, तो ये x के पावर 6 plus 2x cube plus 1 is equal to 0। दोस्तों ये असल में लिखा क्या गया है, x
प्लस 1 के पावर 1 के पावर होल स्क्वायर लिखा गया है और इज इक्वल टू ये क्या हो गया 0। तो दोस्तों x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें यहां पर देखना है कि इनके इनके बीच में यदि हम कॉमन ले लें x के पावर 2, अगर x के पावर 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x के पावर 3 प्लस 1 बचेगा और इधर प्लस 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रखी हुई है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों उसमें आगे का देखिए, दोस्तों पहले मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मैं आगे के प्रोसेस में देने वाला हूं, तो देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो।